बुलेटिन में मौसम की करते हैं, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हुई है तो कई जिलों में बारिश होने वाली है। भोपाल से ये बड़ा बुलेटिन मिल रहा है मौसम विभाग की तरफ से, जहां कई जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, पूर्वानुमान जाहिर किया है। बता दें प्रदेश के रीवा, चंबल, सागर संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है, जबलपुर, कटनी, उमरिया में बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल में भी बारिश होने के आसार हैं। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी में भी बारिश हो सकती है। शहडोल जिले के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं। इधर चित्रकूट के कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। बीते 24 घंटों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान सीधी में रिकॉर्ड किया गया है। सीधी का तापमान 44.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं भोपाल में 41.8 डिग्री तो जबलपुर में 42.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। इधर इंदौर में 38.8 डिग्री। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चित्रकूट, शहडोल और पेंड्रा की, जहां आज झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। हालांकि मौसम विभाग ये पूर्वानुमान जता रहा है कि अभी और भी कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ अगले 24 घंटों में तेज़ झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अचानक से मौसम ने करवट ली है और लोगों को ज़रूर थोड़ी गर्मी से राहत भी मिली है। हम रुक करेंगे मौसम वैज्ञानिक पीके शाह साहब का, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके शाह साहब, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। जानना चाहेंगे सर, ये जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जाहिर किया है, प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश होने के जो आसार हैं, इस पर क्या है अपडेट और क्या बन रहा है सिस्टम? ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काम कर रहा है अभी, उसके प्रभाव से भी प्रदेश में, विशेषकर उत्तरी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा संभाग और जबलपुर के भी कुछ संभागों में आज शाम को भी रेन हुई है, हल्की वर्षा दर्ज की गई। तो अगले 24 घंटों में भी इन जिलों में रेन की संभावना है और रेन के कारण प्रदेश में आज जो हाईएस्ट टेम्परेचर आया वो सिवनी का आया है, 43.8। मतलब लू की स्थिति पूरे प्रदेश से ही कल से नहीं है और आगे भी दो चार दिन रहने की संभावना नहीं है। टेम्परेचर में काफी गिरावट हुई है, भोपाल में भी आज 40.8 जो कि सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है टेम्परेचर, और ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है अगले कुछ दिनों में। हल्की वर्षा की भी संभावना बनी रहेगी तेज हवा के साथ जी, और जो हवा चल रही है भोपाल, विशेषकर भोपाल इंदौर में तेज हवा, ये भी 1-2 दिन तक रहेगी, जिसके कारण टेम्परेचर में गिरावट हुई है। चलिए बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। पीके शाह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, मौसम वैज्ञानिक है और उन्होंने बताया है कि जो सिस्टम बन रहा है वेस्टर्न, उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कई जिलों में तो बारिश हुई है लेकिन कई और जिलों में बारिश होने के अभी आसार हैं।